नर्मदा जिल्लाना एकता नगर स्थित टेंट सिटी एक खाते गुजरात साहित्य अकादमी गांधीनगर शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नवी दिल्ली और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सत्ता मंडल संयुक्त उपक्रमें बे दिवसीय भारतीय भाषा संगम शिबिर ने खुली मुकवामां आवी हती, जेमा गुजरातना प्रवासन सांस्कृतिक प्रवृत्तियों अने वन पर्यावरण क्लाइमेट चेन्ज विभागना कैबिनेट मंत्री मुड़ुभाई बेरानी उपस्थिति में आ शिबिर ने खुली मुकवामां आवी हती। भाषा अंगेना फोटो प्रदर्शन पुस्तक प्रदर्शन ने रिबीन कापीने खुल्लू मुकवामां आव्युं हतुं। उद्घाटन सत्र में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यासना राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अतुल कोठारी, गुजरात साहित्य अकादमीना अध्यक्ष भाग्यश झा, गुजरात साहित्य अकादमीना महासचिव जयेन्द्र सिंह जादव, स्टेच्यू ऑफ यूनिटीना मुख्य कारोबारी अधिकारी उदित अग्रवाल, समग्र कार्यक्रमना संयोजक राजेश्वर कुमार पण जोड़ाया हता। गुजरात साहित्य अकादमी गांधीनगर सहित ना विविध 40 प्रांतनी 22 भाषाना 200 वधु साहित्य सर्जकों भारतीय भाषाना प्रेमियों कथन लेखन संगम समन्वय विषे आ बैठक में चर्चा मंथन करी रोड मैप तैयार करवामां आवशे। इस भवन में हमारी संघ का विमोचन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ये शुभ अवसर है। एंथम सॉन्ग को लॉन्च कीजिए। मध्य भारती की जो भाषा का भारतीय विद्यार्थी परिषद के सहसंघ આજે એકતાનગરમાં ભાષા સંગમ ના કાર્યક્રમ છે, એમાં દેશના વિવિધ રાજ્યોમાંથી પ્રતિનિધિઓ આવ્યા છે અને લગભગ 22 જેટલી ભાષાઓ છે એના અહીંયા 2 દિવસની આ એક કોન્ફરન્સ સંગમ ભાષા સંગમનું આયોજન કર્યું છે અને આપણે એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત અને જે સરદાર સાહેબે એકતા માટેની વાત કરી છે એવા સ્થળ ઉપર અને આ ભાષાથી જ ભાષા છે આપણી સંસ્કૃતિ છે અને વિવિધતા આપણા દેશમાં હોવા છતાં અલગ અલગ ભાષાઓ હોવા છતાં વિવિધતામાં એકતાનો સંદેશ છે એ પણ સરદાર સાહેબે જ આપ્યો છે અને આપણા આદરણીય મુખ્ય વડાપ્રધાન શ્રી મોદી સાહેબ છે એને પણ હંમેશા ખાસ કરીને આપણે ગુજરાતમાં ગુજરાતી ભાષાને આપણે વધારે મહત્ત્વ આપીએ એના માટે રાજ્ય સરકાર અત્યારે કામ કરી છે। આ વખતે આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ નિમિત્તે ગુજરાતી ભાષાના જે દિવસ છે દિવસે 75 જેટલા કાર્યક્રમો આપણે એક સાથે ગુજરાતમાં કર્યા હતા। આજના આ કાર્યક્રમમાં માનીય શ્રી અતુલભાઈ કોઠારીજી છે એ પણ વાત કરશે, ભાગ્યશભાઈ છે। ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી ઓર શિક્ષા સંસ્કૃતિ ઉત્થાન ન્યાસ ઓર સરદાર સાહેબની જો પ્રતિમા હૈ ઉનકે યહાં કા વ્યવસ્થાપન હૈ વો તીનો મિલકર इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। ये कार्यक्रम का मूलभूत जो हेतु है कि स्वतंत्र भारत में अपनी भारतीय भाषाओं को देश को तोड़ने का माध्यम बनाया गया कुछ राजनेताओं द्वारा, लेकिन हमारा सबका प्रयास है कि भारतीय भाषाएं देश को जोड़ने का काम करें और ये राष्ट्रीय एकात्मता को जोड़ने के लिए भारतीय भाषा संगम आयोजन किया जा रहा है और अपनी जो सारी भाषाएँ हैं वो उसका मूल एक ही है, संस्कृत है, जिसमें से निकली हुई सारी भाषा है और सब एक है, काफ़ी एकता का भाव है इसमें। जैसे ओडिशा में, गुजरात में जैसे मुड़ू भाई बोलते हैं हम लोग, ऐसे ही वहाँ धर्मेंद्र भाई जो हमारे शिक्षा मंत्री है भारत सरकार के, उनको ओडिशा वाले धर्मेंद्र भाई बोलते हैं। तो ऐसे कई हर भाषाओं में कुछ ना कुछ समानता एकात्मता है, साथ साथ हमारी भाषा पूर्ण रूप से वैज्ञानिक भी है। आप देखिए कि हम जो लिखते हैं वैसा ही बोलते हैं, जो बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। वो छोटी मात्रा बड़ी मात्रा ये सब हमारे यहाँ है, लेकिन इंग्लिश में वैसा नहीं है। जिसको आज इंग्लिश को बहुत हम ज़्यादा महत्व दे रहे हैं तो उसमें ऐसा नहीं है, तो उसमें भेद अलग अलग एक ही शब्द के अलग अलग प्रकार बोले जाते हैं। तो इस दृष्टि से हमारी भाषा पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है और वो सारी भाषाएं हमारी एक है, एकात्मता है, इसमें एकता है।
और वो देश को एक करने के लिए भाषा काम करेगी। इस प्रकार का एक लेकर ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और इसके बाद हमने इसके 9 उपविषय निकाले हैं भाषा के, वो यहाँ बैनर भी लगाया उसमें भी सारे विषय लिखे हुए हैं। तो यहाँ योजना बनेगी कि ये 9 विषय उपविषयों के भी भाषा के जो है उसके 2-2 दिन के ऐसे राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन अलग अलग राज्यों में होगा। तो इस प्रकार की सिर्फ ये सम्मेलन नहीं होगा, संगम नहीं होगा, लेकिन सब आगे भी कार्य योजनाएं बनेगी और फिर से भारतीय भाषाएं, मातृभाषाएं, अपनी भाषाएं उनको पुनर्स्थापित करने का जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है और आनंद की बात है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये सारे विषय आ गए हैं। तो इस दृष्टि से हमारे माननीय प्रधानमंत्री विदेश में जाकर भी हिंदी में बोलते हैं, तो ये सबको प्रेरणा दे रहा है। तो इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए इस भारतीय भाषा संगम का आयोजन किया गया है। तो बहुत बदलाव हो रहा है, आप देखिए कि कल्पना नहीं कर सकते थे आप, हम लोग शिक्षा सर्वोत्थान जैसे पिछले 10 साल से कह रहे थे कि हमारी सारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा होना चाहिए, जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, आप सब भाषाएं, लेकिन लोग नहीं मान रहे थे। लेकिन शिक्षा नीति में बात आ गई और AICT ने 12 भाषा में इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम तैयार करके देश में दे दिया। मेडिकल की शिक्षा हिंदी में तैयार करने का काम मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। गुजरात सरकार ने भी व्यावसायिक शिक्षा को अपनी भाषा में करने के लिए एक समिति का भी गठन किया है। तो जो कोई कल्पना नहीं कर रहे थे कि ये हो ही नहीं सकता है, वो तो इंग्लिश में ही चलेगा, ये सब में बहुत बड़ा बदलाव, ये एक माइलस्टोन है ये शिक्षा नीति, और हम भी इसको लागू करने के लिए देश भर में इसलिए काम कर रहे हैं। गुजरात साहित्य अकादमी अने शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यासना अने स्टेच्यू एडमिनिस्ट्रेशन एम त्रणेना संयुक्त तत्वावधान में आपणे आ भाषा संगम योजो छे। भारतनी 22 भाषाना तज्ञ અહીંયા આજે ઉપસ્થિત છે। 2 દિવસ સુધી માનનીય અતુલભાઈ કોઠારી, જે વરિષ્ઠ પ્રચારક પણ છે અને અમારા માર્ગદર્શક છે, એમની નિશ્રામાં આપણે બધી ભાષાઓ કેવી રીતે એકબીજા સાથે જોડાય અને ભારતની એકતાને એચિવ કરવા માટે, વિવિધતામાં એકતા, સાહેબે જે કહ્યું બૈરા સાહેબે, એ એચિવ કરવા માટે કયા કયા પ્રયત્નો કરવા જોઈએ, કેવા કેવા કાર્યક્રમો કરવા જોઈએ, કયા પ્રકલ્પો હાથ ઉપર લેવા જોઈએ, એની ચર્ચા અને ચિંતા અને એનો એક્શન પ્લાન, બ્લુ પ્રિન્ટ, આ બધું તૈયાર કરવા માટે 2 દિવસ અમે ચર્ચા કરવાના છીએ અને આજે રાજ્ય સરકાર તરફથી માનનીય મંત્રીશ્રી હાજર રહી અને એમને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડ્યું છે, એનો વિશેષ આનંદ છે। 40 રાજ્યોમાંથી 22 ભાષાઓના 180થી વધુ પ્રતિનિધિઓ બહારથી આવે છે, આપણા ગુજરાતના 40 છે, એમ કરીને 220 જેટલા થયા છે। મેઇન મોટિવ આ ભાષામાં જે ભારતીય ભાષાઓ છે એના વચ્ચે એકબીજા સાથે સંકલન પણ થાય અને જે તે પ્રાંતમાં ભારતીય ભાષાનું મહત્ત્વ વધે, જે વડાપ્રધાનશ્રી અને શિક્ષણ નીતિમાં જે વાત થઈ છે એ રીતે ભારતીય ભાષાઓનું મહાત્મ્ય વધારવા માટેના પ્રયત્નો શું શું કરવા જોઈએ એની ચર્ચા થશે।